Casio, Nothing Watch Pro और CMF Watch Pro। तो हम चार चीजों पे बात करेंगे, क्वालिटी एंड डिस्प्ले, इसके फीचर्स, डेटा एक्यूरेसी एंड लास्ट में ये स्मार्ट वॉच करेंट मार्केट सिनेरियो में कहां पे स्टैंड करता है। स्टार्टिंग विद द क्वालिटी एंड डिस्प्ले, तो क्वालिटी वॉच की काफी अच्छी है, पूरी मेटालिक की फिनिश है और वॉच आपको मिनिमल टाइप का फील होगा बिकॉज नथिंग वाली वाइब आ रही है इसमें। लाइट वेट है, स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी है, सॉफ्ट है, बट पर्सनली आई डोंट लाइक द लॉकिंग मैकेनिज्म। अब हर चीज एप्पल से कॉपी करने से नहीं होती है। वॉच की साइज भी थोड़ी बड़ी है, तो थिन रिस्ट वालों के लिए एकदम बिल्कुल भी नहीं है ये वॉच। गोरिल्ला रिस्ट पे ये वॉच अच्छी लगी, बट देयर इज अ गुड थिंग कि इसमें आपको शार्प एमोलेड पैनल मिलता है जिसकी ब्राइटनेस 600 निट्स तक जाती है। और आपको मोटे बेजल्स तो दिख रहे होंगे, बट एक चीज अच्छी है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डिस्प्ले के फीचर्स इतने यूनिफॉर्म नहीं है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रेजेंट है, विच इज अ गुड थिंग, बट इसमें टैप टू वेक वाला फंक्शन ही प्रेजेंट नहीं है। तो आप कितना बार भी स्क्रीन को टच करते रहो, ये वेक नहीं होगा, आपको एट द एंड बटन दबाना पड़ेगा, जो मेरे ओपिनियन में थोड़ा हैसल हो जाता है। Now moving to the internal features, so there is nothing extraordinary in it. Sorry for the spoiler. वही फोन के नोटिफिकेशन आपके वॉच पे आ जाते हैं, इसको आप सिर्फ देख सकते हैं, रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, जनरल बजट स्मार्ट वॉच वाला चीज। और रोजमर्रा के बेसिक एप्स लाइक म्यूजिक कंट्रोल्स, अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग प्रेजेंट है, बट देर इज अ कैच। कॉलिंग क्वालिटी इज गुड, नो डाउट, काफी अच्छी साउंड आती है इससे, बट देर इज ऑलवेज अ वर्ड। एक बार अगर आप फोन इस पे उठा लेते हैं और आपको लगता है वॉच पे ठीक से आवाज नहीं आ रही, चल फोन पे स्विच कर जाते हैं, इन दैट केस आप तब तक स्विच नहीं कर सकते जब तक आप कॉल को काट नहीं देते, इसमें आपको कॉल स्विच करने का बटन ही नहीं मिलता है। प्लस एक और चीज है, ऑन कॉल स्क्रीन डायल पैड नहीं मिलता, तो आप IVR के ऑप्शंस दबा नहीं पाएंगे, 1, 2, 4 भूल जाओ। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताऊं तो आपके ईयरफोन्स को आपने हाथ पे पहन लिया है और स्पीकर की आवाज थोड़ी ज्यादा है, बस वही है। हाँ, बैटरी बैकअप इसका आपको 4 से 5 दिन की मिलती हैवी यूसेज पे, और एक मैग्नेटिक डॉक मिलता है, इसे चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, ये वॉच इतनी भी बुरी नहीं है, इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी पॉलिश्ड है और आपको मिनिमल सिंपल टाइप का फील होगा और बहुत अच्छी वाइब देता है, और एट द सेम टाइम काफी स्मूथ फील होगा, और डेफिनेटली 12-13 हज़ार की घड़ी के सामने स्मूथ फील होता है। अब UI की बात हो ही रही है, तो इसका हैंडलिंग एप्लीकेशन भी काफी स्मूथ है, और एप्लीकेशन थोड़ा ठीक काम करता है, थोड़े बग्स भी मुझे देखने को मिले, तो ओवर टाइम आई थिंक नथिंग इसको फिक्स करता रहेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या ये वॉच डेटा एक्यूरेसी में भी इतनी ही स्मूथ है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो इस वॉच में हमें 110 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, जो कॉमन है आपको हर एक घड़ी में लाइक मिल जाएगा आजकल, बट इसमें एक चीज स्पेशल है, दैट इज इनबिल्ट GPS का चिप। बट आपको पता है कि जितने वर्कआउट मोड्स होते हैं सब में एक मेट्रिक कॉमन होता है, वो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, और हार्ट रेट मॉनिटरिंग एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसे परफॉर्म करेंगे आउटडोर साइकिलिंग वाला वर्कआउट, जिससे पता चल जाएगा कि इसका हार्ट रेट कितना एक्यूरेट है और इसका GPS का चिप कितना एक्यूरेट है। और टेंशन नॉट, हार्ट रेट की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पोलर H10 चेस्ट स्ट्रैप, जो 99% डेटा एक्यूरेट है। हम दोनों के डेटा को लेंगे, साथ में कंबाइन करके कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वॉच एक्चुअल में कितना एक्यूरेट है। सो लेट्स गो। ऑल राइट गाइज, तो हमारा आउटडोर साइकिलिंग कंप्लीट हो चुका है, तो हम चेकआउट करते हैं कि हार्ट रेट इसका कितना एक्यूरेट है। बट पता है, मैंने एक चीज नोटिस करी वाइल डूइंग वर्कआउट, कि इसके वर्कआउट स्क्रीन पे म्यूजिक कंट्रोल्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हो बीच में, तो आप म्यूजिक वगैरह कंट्रोल करके चेंज नहीं कर सकते, जो आपको सारे वॉचेस में और बैंड्स में देखने को मिलता है फीचर। ऑल राइट गाइज, तो ये रहा CMF वॉच का डेटा हमारे पास, हमने आउटडोर साइकिलिंग करी है, एंड यू कैन सी GPS का क्या बेनिफिट होता है। GPS का बेनिफिट ये है कि हमें पूरा रूट देखने को मिल रहा है, कि हम कैसे कैसे निकले हैं घर से, और घर से निकलने के बाद हमने कितना रूट कहाँ पे लिया है, मैप पूरा ओवरऑल दिख रहा है हमें। बट पता है एक चीज़ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कि ये एप्लीकेशन में इतना बगी टाइप का है कि इसमें बहुत सी चीज़ें मेंशन नहीं है ठीक से, आप हार्ट रेट को ठीक से एक्सपैंड करके नहीं देख सकते यहाँ पे। सेकंड चीज़ कि इसमें ओवरऑल स्पीड के जो लैप्स होते हैं ना, कि 1 किलोमीटर पे कितना रहा, 2 किलोमीटर पे, 3, 4, वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो डेटा ना थोड़ा मिसिंग टाइप का यहाँ पे फील हो रहा है। ऑल राइट गाइज, तो अब जो स्क्रीन पे डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये डेटा एक्चुअल में हार्ट रेट का कंपैरिजन है पोलर H10 चेस्ट स्ट्रैप वाले डेटा के साथ। तो ये आपको देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा होगा, क्या है भाई इतना ऐसे, मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूँ। तो जो ग्रीन डॉट्स वाले डेटा है ना, यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ग्रीन डॉट ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आए हुए हैं, ऊपर नीचे किए हुए हैं, ये पोलर H10 का डेटा है। ये दिखा रहा है कि हार्ट रेट कितना ऊपर नीचे हुआ है,
और ये एक्यूरेट है। और ये ब्लू वाले छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, जो उसके क्लोज क्लोज है, कहीं कहीं पे चिपके हुए हैं, कहीं पे दूर हैं, थोड़े डिस्टेंस पे हैं, फिर कहीं पे चिपके हुए हैं, दूर हैं, ये CMF वॉच का डेटा है। तो ये जितना ज़्यादा क्लोज होगा ना, मतलब ये ब्लू डॉट जितना ज़्यादा ग्रीन डॉट के साथ चिपका हुआ रहेगा, उतना एक्यूरेट है ये वॉच। और जितना ज़्यादा दूर दूर पे आपको दिखेगा, उतना ये इनएक्यूरेट है। तो अगर आप ओवरऑल ग्राफ को देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट लगेगा, बट बीच में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइक्स हैं, अप एंड डाउन हार्ट रेट गया है, वहाँ पे ये थोड़ा सा कोप अप नहीं कर पा रहा, तो इनएक्यूरेट हो गया है। बट फिर भी एवरेजली अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ एक्यूरेट ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 196 BPM हो रहा है नथिंग वॉच के अकॉर्डिंग, और अगर मैं पोलर एस्टेंट का देखूँ तो यहाँ पे 209 BPM हो रहा है। तो 10-5 का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा चलता है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि बजट कैटेगरी के हिसाब से ये काफ़ी हार्ट रेट में डेटा एक्यूरेट है। ऑलराइट गाइस, तो हम स्लीप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं गैलेक्सी वॉच 4, मतलब उसके डेटा को कंपेयर करेंगे नथिंग वॉच के डेटा के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में CMF वॉच का डेटा है, इसके अकॉर्डिंग मैं 6 घंटे 39 मिनट सोया हूँ, और सैमसंग गैलेक्सी वॉच के अकॉर्डिंग 6 घंटे 32 मिनट्स में सोया हूँ, विच इज़ क्वाइट क्लोज। आप देख सकते हैं डेटा बहुत ज़्यादा सिमिलर यहाँ पे फील हो रहा है। बट डेटा को अगर मैं थोड़ा डीप में चेकआउट करूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि काफ़ी क्लोज डेटा है, और यस वी कैन रिलाई ऑन नथिंग वॉच डेटा। ओके, तो SPO2 सेंसर इसका काफ़ी एक्यूरेट है। आप डेटा अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने एक दो घंटे के इंटरवल में पूरे दिन भर में रीडिंग्स लिए हैं, और साइड बाई साइड मैंने गैलेक्सी वॉच के साथ कंपेयर करा है, एंड रीडिंग्स आर क्वाइट क्लोज। सेम सिनेरियो स्टेप्स मॉनिटरिंग में है। अगर आप स्पेसिफिक वर्कआउट मोड में जाके वॉकिंग करते हैं तो एकदम करेक्ट स्टेप्स काउंट करता है, बट फॉल्स स्टेप्स भी काउंट करता है। तो अगर आप बैठे बैठे दिन भर का डेटा देखोगे तो अगर आपने फॉल्स हैंड मूवमेंट करे हैं, हाथ हिलाया है, तो ये उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब डेटा की बात हो रही है तो मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करूँगा कि इसमें आपको नैप मोड प्रेजेंट नहीं मिलता है। तो अगर आप दिन के टाइम में नैप ले लेते हैं, कुछ घंटे के लिए सो जाते हैं, तो ये उसको काउंट नहीं करता है, उसको मेजर नहीं करता है। अब दूसरी चीज़ मेंशन करूँगा कि इसमें आपको स्ट्रावा का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये जितने भी डेटा रिकॉर्ड करेगा वो इसी एप्लीकेशन तक सीमित रहेंगे, आप उसको गूगल फिट या फिर स्ट्रावा में सिंक नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, दिस वॉच का हार्डवेयर टॉप नॉच क्वालिटी का है, बजट सेगमेंट में नो डाउट, बट एट द सेम टाइम इसका सॉफ्टवेयर उतना ही ज़्यादा बगी है। इतने सारे इसमें बग्स आपको देखने को मिलते हैं, तो अगर फ्यूचर में नथिंग इन सारे बग्स को फिक्स कर देता है वाया सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तो ये वॉच एकदम बेस्ट हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कि ये नथिंग की पहली वॉच है, बट यार पैसे तो पूरे ले रहे हैं ना, अगर हाफ प्राइस पे भी देते पहली वॉच बोल करके तो बढ़िया बात है, तो फिर नया पुराना क्या हुआ यहाँ पे। सो इन माई ओपिनियन ये वॉच अभी इनकम्प्लीट है, सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत है, हार्डवेयर इसका अच्छा है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट में ना ज्यादा वॉचेस हैं नहीं अभी, और गिने चुने कुछ छठे हुए स्मार्ट वॉचेस अच्छे हैं जो आपको मिलते हैं मार्केट में, वो आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम फिर मिलेंगे। पीस आउट।